नमस्कार आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। और इसमें मैं आप लोगों के सामने आज जो मंजा लेके आया हूँ वो है आरएम कुरैशी का डबल अच्छी, और 9 तार पे है ये, यानी कि 9 कॉर्ड पांडा 5 और 6 रील है। और मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी खासियत मुझे मंजे की दो चीज़ बहुत पसंद आई, एक है इसकी फिनिशिंग, दूसरी है इसकी थिकनेस। काफ़ी कम है, 9 तार होके भी ये मंजा जो है क्या है 8400 जो डोर है उतना ही बारीक है। प्लस इसमें क्या है फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो ये मेकर की कलाई हो सकती है कि एक तुम आप इतने मतलब मसाला लगाने के बाद मंजा मोटा होना चाहिए 9 तार, उसके बाद भी इतनी पतला करके दिया इन्होंने। और अभी तक सबसे बारीक मुझे इन्हीं का मंजा लगा 9 तार में। अभी एक दो और कारीगर हैं जिनका मंजा बारीक है, उनकी वीडियो भी डालूंगा मैं। वो तीनों का मतलब बराबर ही है बारीक में, थिकनेस तीनों की सेम रहेगी ये, पर तीनों अलग अलग कारीगर हैं, तो इसलिए उनकी वीडियो भी जल्द डालूंगा मैं। अभी बात इनकी करते हैं, तो इनका मंजा काफ़ी अच्छा है। जिसका बजट अच्छा है वो ये मंजा ट्राई कर सकता है, जिसका बजट मतलब एक ही चरखी का लेने का है वो इसको ट्राई ना करें क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है। और जो चरखी काफ़ी हैवी है, मैंने औरों की भी 6 मतलब रील ट्राई करा है। अब आप कहेंगे देखिए 5 रील आता है 9 कॉर्ड, ऐसा नहीं है, ये 9 रील की चरखी है, इसमें 6 उन्होंने रील दे दिया है मुझे। हाँ, अगर आपको 6 रील की चरखी में देता है कोई मेकर तो वो 5 रील होता है, ये 9 रील की चरखी है तो इसमें 6 रील आया है। तो आप मेकर से आप 5 रील जो मेकर आपको देते हैं तो उनसे कहिए 6 रील देने को। अगर कोई कहता नहीं मिल सकती तो बात अलग है, पर 6 रील मिलता है ऐसा नहीं है। ये देखिए कितना बारीक है, थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो आपको तो 6 रील भी देते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि सिर्फ 5 रील आता है, C28 भी 5 रील आता है। मुझे पता है कि 5 रील आता है C28, एक कोन में 5 रील निकलता है। तो पर क्या कहते हैं, अगर आप मेकर से आपकी अच्छी पहचान है, अगर मेकर से आप करते कहते हैं तो वो 6 रील भी आपको देगा। और ये सब 9 रील की चरखी हैं, ये देखिए कितना बारीक है। और ये 9 रील की चरखी है, इसमें 6 रील है पूरा, काफ़ी हैवी है। तो आगे देखते हैं, पेच लड़ा के पता चलेगा बाकी मंजे का। तो पर अभी मंजा तो थोड़ा टाइम रखना पड़ता है, ये देखिए आप थोड़ा ब्लर हो रहा है, अभी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा। अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं सही से, थोड़ा बहुत समझ आपको समझ में आएगा। अभी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है तो इसमें आपको चमक भी नहीं दिख रही है उतनी, तो अभी आपको चमक भी दिखेगी। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और झूठी कोई तारीफ़ नहीं है इसमें, मुझे झूठी तारीफ़ करके कुछ नहीं मिलेगा। पहली चरखी है मेरी ये, तो काफ़ी लोग कहते हैं तुम प्रमोशन कर रहे हो, देखिए कोई प्रमोशन नहीं है, पहली चरखी है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका मंजा, मेरे पास खुद इतना बजट नहीं होता कि मैं हर मंजे ट्राई कर सकूँ, तो कुछ ही मंजे होते हैं जो मैं ट्राई कर सकता हूँ और मैंने यही ट्राई करा। देखिए मैं क्योंकि आप काफ़ी लोगों ने कहा कि नए मेकर के मंजे ट्राई करो, मैंने नए मेकर्स के मंजे ट्राई करे तो क्या दिक्कत आई उसमें, फिनिशिंग की। मंजा तो अच्छा होता है, खींच में काटोगे आप, नायलॉन को भी काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर क्या बात रहती है फिनिशिंग की। आप लड़ा रहे हो 9-10 पेज और उसके बाद क्या होता है आपका मंजा गया। अब आप इसमें देखिए 9 तार है ये, डबल लच्छी है। अब आप देखिए ओपन बॉल सबको चाहिए होता है मंजा, बल खुली हुई डोर, पता नहीं किसने यूट्यूब में फेमस कर दी बल खुली डोर अच्छी होती है। तो आप देखिए इसकी बल खुली हुई, अगर आपको रेड के साथ वाइट कलर दिखेगा तो वो मंजा समझ लीजिए उसमें अच्छी से सुताई नहीं हुई है। पर इसमें देखिए आप रेड कलर के साथ दूसरा कलर जो देखेंगे वो रेड से थोड़ा लाइट कलर देखोगे। ये देखिए आप बल खुली हुई दिख रही होगी आपको धीरे हल्के हल्के, तो इसमें क्या रहेगा आप देखिए, पहला रेड है तो दूसरा कलर क्या था उससे थोड़ा लाइट कलर था, तो इसका मतलब इसमें सुताई हुई है अच्छे से। और जिसमें आप रेड के साथ वाइट कलर, जैसे कोई भी कलर आप लगा लो, ब्लैक के साथ वाइट देख रहे हो, अगर ओपन बॉक्स में वाइट कलर आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए मंजे में सुताई अच्छे से नहीं हुई है। और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कोई यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है कोई फेमस यूट्यूबर, तो उसी मंजे की डिमांड कर रहे, तो देखिए वो मंजे इससे भी कॉस्टली हैं, वो मंजे इससे भी कॉस्टली है, मैं ट्राई नहीं कर सकता उनको। अभी जब होगा तो मैं पक्का ट्राई करूँगा, अभी इतना बजट नहीं है कि मैं उनको ट्राई करूँ, क्योंकि वो मंजे तो इनसे भी ज़्यादा कॉस्टली मंजे है।
और कंपेयर अगर मैं मंजो से करूँ तो इनका मंजा काफ़ी बारीक है। मैं कोई मेकर से तो कंपेयर नहीं करूँगा, पर आप लोग ये मंजा बजट अच्छा है तो ले सकते हो, इस पे भरोसा कर सकते हो इस मंजे पे। और ये कोई प्रमोशन नहीं है क्योंकि मेरी पहली चरखी है। और दो ही बात मुझे पसंद आई मंजे में, वो है इसकी फिनिशिंग, और जो बहुत ज़रूरी होती है कि ये नहीं हो कि आपने 9-10 पेज काटे और पतंग टूट के चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है इसकी थिकनेस, जो मंजा है इतना पतला है बारीक। अब आप देखिए चमक देखिए मंजे में थोड़ा, वो ये देखिए वो थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से नहीं आती है। आप देखिए फिनिशिंग भी देखिए और मंजे में आप देखिए चमक देखिए, बहुत बेहतरीन डोर है। ये देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको, ये देखिए चमक देखिए, तो ये देखिए। तो ये ऐसा मंजा लगाना बहुत ज़रूरी है 9 तार पे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी मेकर्स क्या करते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है बहुत ज़्यादा रखते हैं, 12 कॉर्ड के बराबर रखते हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।